हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेटी किचन डायरीज में आपका स्वागत है और आज आपके साथ हम शेयर करेंगे यहाँ पे शरबत की रेसिपी। मुहर्रम चल रहे हैं और शरबत की रेसिपी हम शेयर कर दे रहे हैं ताकि आप फाता के लिए शरबत बनाएं और लंगर के लिए भी आप ये वाला शरबत ट्राई कर सकते हैं। रोज़ फाता दलती है तो रोज़ शरबत पर ही फाता दलती है हमारे घर तो हम रोज़ नया नया शरबत बना लेते हैं। तो आज हमने जो शरबत बनाया है उसकी रेसिपी आप देख लीजिए और अगर अच्छी लगे तो आप ट्राई करिएगा और आप इसे लंगर के लिए भी बना सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आप उस हिसाब से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुहर्रम के शरबत के लिए आप यहाँ पे क्या क्या यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नारियल काट लिया है और ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे थोड़े से जो बादाम लिए हैं जिन्हें हमने चॉप कर लिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर केवड़ा और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा और यहाँ पे शुगर सिरप ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और यहाँ पे मिल्क भी लगेगा तो सबसे पहले हम डाल देंगे शुगर सिरप और उसके बाद हम मिल्क डाल देंगे। तो मिल्क आप जितना बनाए उतना डाल दें। यहाँ पे हम 2 कप डाल रहे हैं क्योंकि हम फाता के लिए बना रहे हैं खाली 1 गिलास। तो यहाँ पे 2 कप मिल्क लिया है और अब इसमें हम थोड़ा चला देंगे। केवड़ा डाल देते हैं थोड़ा सा हम, तो खुशबू के लिए यहाँ पे हमने केवड़ा डाल दिया है। और अब थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और इलायची पाउडर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देंगे और मुहर्रम में शरबत पे फाता ज़रूर दिलती है, हर रोज़ दिलती है 10 दिन तक। तो आप ज़रूर बना सकते हैं और अगर आप लंगर के लिए बना रहे हैं ये शरबत तो आप इसकी क्वांटिटी उस हिसाब से डबल कर सकते हैं। 3 चम्मच यहाँ पे हमने लिया है रूह अफ़ज़ा। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और चला देंगे इसको और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये। और सबसे पहले यहाँ पे हम ग्लास ले लेंगे और ग्लास में डाल देंगे हम आइस क्यूब्स। और आइस क्यूब्स हमने थोड़ा सा उसमें भी डाल दिया है और अब इस शरबत को हम ट्रांसफ़र करेंगे ग्लास में। और यहाँ पे ये शरबत बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है शरबत का। और इसमें आप ऊपर से ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करना चाहे तो कर सकते हैं और इस पर आप फाता दिलवाइए। और अगर लंगर में आप इसको शरबत को बनाना चाहते हैं तो लंगर के लिए भी आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है, पीने में भी बहुत अच्छा होता है। और आप समर्स में भी आप ऐसा शरबत बना सकते हैं ठंडा ठंडा पीने के लिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के साथ मैं मिलती रहूँगी आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।